जो हमारा विकास करेगा, हमारा दलित समाज और संगठन का विकास करेगा, हमारे समाज का विकास करेगा, हमारे फ्लैटों का विकास करेगा, हम उसी के लिए हमेशा उपलब्ध है। ठीक है, बीच में हमारी दीवार टूट गई थी पार्क की, हमने उसके पास में लेटर भी भेजा है, कंप्लेंट भी करी थी, जब भी हमारे लिए वो उन्होंने सुनवाई नहीं करी, फिर भी मनोज तिवारी जी के कोटे से ही हमारी दीवार बनी है। कमल हमारा, सब चीज हमारी, लेकिन अपना कमाना अपना खाना ये दुनिया को पता है। और मैं ये वादा करता हूँ कि हमारी 35-40 हज़ार वोट है, हम उनको देंगे, क्योंकि हमारे को उन पे यकीन है। पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं शाहान मोहम्मद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हमारे खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप पहुंचा हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली की उस सीट पर जो लगातार चर्चाओं में रही है। जी हां, दो बार के सांसद रह चुके मनोज तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से जनता के बीच में उम्मीदवार बन के उतरे हैं। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो भी उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली से मैदान में उतरे। इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा उत्तर पूर्वी दिल्ली के तमाम लोगों से, एक एक करके मैं सबसे ही बात करना चाहूंगा। क्या नाम है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित जिनवाल है और हम दलित विकास संगठन के सदस्य हैं। रोहित जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, 25 तारीख को यहाँ वोटिंग भी होनी है। मनोज तिवारी है एक तरफ, कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार गठबंधन के उम्मीदवार हैं, और जो मनोज तिवारी है भारतीय जनता पार्टी से दो बार यहाँ से सांसद रह लिए, वो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में आप लोगों के बीच उतारा है, किस तरीके से देखते हैं? तरीके क्या है सर, एक तो गठबंधन है, उससे कांग्रेस से गठबंधन करा हुआ उन्होंने, और प्लस अभी कल को ही यहाँ पे उनका कन्हैया कुमार जी का रोड शो हुआ था, तो ये हमारे फ्लैट हैं, यहाँ पे सारा दलित विकास संगठन के लोग सदस्य भी रहते हैं और हमारे दलित समाज के काफी लोग रहते हैं। उन्होंने एक बार भी हमारे फ्लैटों में आने का तो इतना सा भी कष्ट नहीं कहा। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है, हम दलित हैं तो क्या हमसे ऐसा करा जाए? मुद्दे क्या है वो यहाँ पर नहीं आए गठबंधन के उम्मीदवार, मुद्दे क्या है जो पहले से सांसद रह चुके हैं, दो बार के सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर आए? हाँ जी, मनोज तिवारी जी एक तो 6 तारीख की डेट एच ब्लॉक है, सुंदर नगरी के एच ब्लॉक में, मैं आऊंगा भाई साहब, आप लोगों के पास आऊंगा मैं। मनोज सुंदर नगरी के एच ब्लॉक में अभी बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमारे मनोज जी आए थे, मनोज तिवारी जी 10 तारीख को, उसमें हमारे दलित विकास संगठन के संजय चंडालिया जी जो हमारे प्रधान है वो भी थे, काफी हमारे सदस्य थे, हमारे जयप्रकाश वर्मा जी हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के वो हैं, तो काफी अच्छा सहयोग दिया उन्होंने। और वो मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा कन्हैया कुमार ने जो गठबंधन के उम्मीदवार है उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया था और वो यहाँ पर नहीं आए, मनोज तिवारी दूसरी जगह आए थे, मनोज तिवारी यहाँ पर आए? मनोज तिवारी तो नहीं आए, जो हमारे दिल्ली उसके राजस्थान के डिप्टी सीएम है डेरवा साहब यहाँ पर आके बड़ा अच्छा विशाल समारोह करके गए और पूरा हमारी मांगों को पूरा करने का पूरा वादा करके गए। देखिए ये बात अच्छी बात है, वो आए थे यहाँ पर बीजेपी से, लेकिन जो आपके जो इस समय जो उम्मीदवार हैं और जो पहले दो बार सांसद रह चुके हैं मनोज तिवारी है, वो आपकी दिल्ली का ध्यान रखेंगे, जो आपकी उत्तर पूर्वी दिल्ली पड़ती है वहां से दो बार के सांसद रह चुके हैं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के बीच उतारा है मनोज तिवारी को। इन 10 सालों में मनोज तिवारी यहाँ पर आए, आपकी समस्या जानने आप यहाँ इस समय खड़े हैं? नहीं, इस समय बीच में एक बार आए थे, है ना, 3-4 साल पहले की बात है, रात के 10-10:30 बजे का समय था उस टाइम में, उस वक्त हमारे संजय चंडालिया जी यहीं पे उपलब्ध थे, तो काफी अच्छा सबसे मिलके गए थे, उसके बाद नहीं आए। अब वो चुनाव प्रचार हुआ है उसके अंदर आए। चलिए विकास की बात पर आ जाते हैं, विकास हुआ? विकास तो हुआ है सर, थोड़ा बहुत ही हुआ, लेकिन पूरी मांगे हमारी नहीं हुई है सर, क्योंकि हमारी मांगे एक तो यहाँ पे हमारी बहन बेटी की शादियां होती है तो उसके लिए कोई यहाँ पे धर्मशाला नहीं है, बारात घर नहीं है, हमारे पार्कों की खस्ता हालत हुई पड़ी है काफी, और हमारा जो बड़ा गेट है ये, इसका भी बहुत बुरा हाल है, आप देखना दिखाना अपने वीडियो को। 25 तारीख को वोट होने, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या क्या मुद्दे? विकास पे करेंगे सर, जो हमारा विकास करेगा, हमारा दलित समाज और संगठन का विकास करेगा, हमारे समाज का विकास करेगा, हमारे फ्लैटों का विकास करेगा, हम उसी के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। भाई साहब का कहना था कि गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया
कुमार ने यहाँ पर कर रोड शो किया था और यहाँ पर फ्लैटों में इन लोगों से मिलने नहीं आए, लेकिन एक तरफ जहाँ कन्हैया कुमार यहाँ पर है, दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि जो दो बार सांसद रह चुके और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से मनोज तिवारी को उम्मीदवार बन के उतारा है जनता के बीच, वो भी 4 साल पहले यहाँ पर आए थे इनकी राय जानने, यहाँ का विकास देखने। फिलहाल यहाँ पर काफी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर पार्क नहीं है और जो बहन बेटियों की शादी होती है उनके लिए कोई बारात घर का इंतजाम नहीं है। मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार है। सुनील जी, किस तरीके से देखते हैं 25 तारीख को चुनाव होने हैं, मनोज तिवारी है, कन्हैया कुमार है, क्या मुद्दे है? कन्हैया कुमार जी को तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे सर? जो जो कन्हैया कुमार जी जैसे उसका रोड शो आया, पूरी कॉलोनी घूम कर गया, वो हमारे पास नहीं आया। जी हमारे पास नहीं आया तो हम उसको वोट क्यों दें? भाई फ्री में तो दे नहीं सकते हम। जो हमारा विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। और नहीं, आम आदमी पार्टी ने इन फ्लैटों में कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक कौन है? सर गौतम जी। अच्छा, राजेंद्र कभी नहीं आए सर। अच्छा, राजेंद्र कुमार को वो भी कभी नहीं आए। और 20 में जब भी कोई प्रोग्राम होती है हमारे लिए कभी नहीं आते। हुए मोहनी जी निवाले आज तक फ्लैटों में नहीं आई हमारे। अच्छा। जब से बनी है आज तक नहीं आई। और हमारा पार्क की दीवार टूट गई थी, हमने उसके जब नगर निगम चुनाव हुए थे तब आई थी। हाँ जब चुनाव हुए थे सर, जब घूमी थी वो प्रचार के लिए एक दिन, उसके बाद में हमारे पास में नहीं आया, आज तक नहीं आई वो। ठीक है, बीच में हमारी दीवार टूट गई थी पार्क की, हमने उसके पास में लेटर भी भेजा है, कंप्लेंट भी करी थी, जब भी हमारे लिए वो उन्होंने सुनवाई नहीं करी। फिर भी मनोज तिवारी जी के कोटे से ही हमारी दीवार बनी है। ये मोहिनी जी निवाल के कोटे से नहीं बनी है ना विधायक के, ये मतलब ये लोग मनोज जी की हमारी जो दीवार बनी है दीवार की पार्क की, मनोज जी से योगी से ही बनी है। इन फ्लैटों में लगभग कितने लोगों की संख्या होगी सर? यहाँ पर आठ से दस हजार यहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, 25 तारीख को क्या मुद्दे रहेंगे? सर मुद्दे हमारे यही रहेंगे, हम वोटिंग उनको देंगे जो हमारा विकास करेगा। ठीक है, और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, एक तो हमारा गेट बने और एक हमारा धर्मशाला बने, मतलब जो बहन बेटी की जो शादी होती है उनकी लिए हम बारात घर से ही हमें, वो भी सिर्फ वाल्मीकि समाज। मनोज तिवारी जी ने विकास किया है क्या? बिल्कुल किया सर। अच्छा। वो करते हैं, अगर हमारा उसे उनके पास पहुंचता है कोई चीज के लिए, वो हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेट होता है पर करते जरूर है। भाई साहब कह रहे थे 4 साल पहले आए थे। देखो भाई बड़े आदमी है, वे आते पाते नहीं है, पर हम उनके पास में अगर कोई रिपोर्ट लेकर जाएंगे, कोई कंप्लेंट लेकर जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट है, बड़ा होता आदमी होती है। तिवारी जी मतलब जी हमारी सुनवाई कर लेते हैं। क्या कर लेते? हाँ, निगम खुश है उनके विकास से, ये नहीं करते। हाँ जी, निगम पार्षद आपने कौन सी पार्टी बताया? आम आदमी पार्टी। और विधायक जी भी आम आदमी पार्टी। 25 तारीख को वोटिंग होनी है, विकास ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल विकास ढूंढ रहे हैं सर, तो विकास हमारा जो है तिवारी जी के पास में। देखिए लगातार मैं कहता आ रहा हूँ कि ये सीट लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2 बार के सांसद रह चुके मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उत्तर पूर्वी दिल्ली में जनता के बीच मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी लगातार मुकाबले पे यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं और लगातार जनता को अपनी पार्टी की तमाम गठबंधन की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है? जयवीर नाम है। जयवीर जी क्या करते हैं? जी ऐसे प्राइवेट काम करते हैं। नौकरी वोकरी मिली है? नौकरी MCD की थी, इसे बताया था केजरीवाल को हमने फोन पे, कोई गौर नहीं करी, कोई गौर नहीं किया। अब चुनाव 25 तारीख को वोटिंग है, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे जी हम ये रहेंगे, जो हमारे काम आएगा हम उसे वोट देंगे। मैदान में मनोज तिवारी कन्हैया कुमार हैं। मैदान में तो देखो जो हमारे काम आएगा हम उन्हें वोट देंगे। कांग्रेस हमारी, कमल हमारा, सब चीज हमारी, लेकिन अपना कमाना अपना खाना ये दुनिया को पता है। जो काम आएगा जिसके वो वोट उसे देगा। लगातार गारंटी की बात चल रही है कि गारंटी है रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलना चाहिए पब्लिक को, मेन चीजें जो यहाँ की परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे बंदे आते हैं बाहर के वो रुकते नहीं है। मनोज तिवारी के विकास से खुश हैं आप? कुछ क्या है? मनोज तिवारी से भी खुश है, मोदी जी से भी खुश है। ठीक है। मनोज तिवारी जी से भी खुश हैं, मोदी से भी खुश हैं, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन सी अजीब सी लगातार दिखाई दे रही है। मैं और लोगों से बात करना चाहूंगा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। नमस्कार जी,
मैं सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश वर्मा, दलित समाज विकास संगठन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय कुमार सिंडालिया जी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही जुझारू, बहुत ही प्रिय हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, क्या मतलब हेड है, प्रधान जी है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कन्हैया कुमार जी है, रोड शो कर रहे हैं, उनको एमसीडी के जहाँ भी निवास है उसमें एक बार भी रोड शो करने नहीं आए, ना मिलना है, ना ही उनको इधर की कोई चिंता है। समय बाकी, हो सकता है आ जाएं। ऐसा तो लगता नहीं, आप नहीं आ रहे तो कहाँ आ रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने मनोज तिवारी जी को और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं राजस्थान के, उनको एक फोन पे जैसे किया तुरंत यहाँ पे आए। राजस्थान का मामला है, अच्छी बात है, यहाँ पर है, आपकी लोगों की समस्या जन्य। लेकिन रोड शो तो मनोज तिवारी भी लगातार कर रहे हैं, उनका आना हुआ यहाँ पर, यहाँ पे नहीं आए। लेकिन हमारे जो है एच ब्लॉक झुग्गी सुंदर नगरी में वो आए और हमको लिखित में सब प्रूफ दे गए कि जो आपकी समस्या हम इनको निपटाएंगे। 25 तारीख को वोटिंग है, ये हमारा वायदा है, उनका हमसे वायदा है कि आप हमें जिताइए, हम आपके काम पूरा करेंगे। और मैं ये वादा करता हूँ कि हमारी 35-40 हजार वोट हैं, हम उनको देंगे, क्योंकि हमारे को उन पे यकीन है। यानी कि जो आपके सांसद, दो बार के सांसद है, दोबारा भी आप उन्हें लाना चाहते हैं, उनके विकास से आप खुश हैं? हाँ, क्योंकि उन्होंने आपकी बार हमको उन्होंने लिखित में प्रूफ दिया और यकीन जताया कि ये काम हम करके रहेंगे, तो हमें यकीन है। क्या प्रूफ दिया है लिखित में, कौन सी गारंटी है, कौन से वादे किए हैं? पिछले जो वादे थे वो तो जनता को लगातार याद है, अब नया मुद्दा क्या भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है लोगों के लिए? नए मुद्दे ये हैं कि हमारे एमसीडी के जहाँ भी लोग रह रहे हैं, जहाँ भी एमसीडी फ्लैट है, यहाँ पे एक धर्मशाला बनाने का वायदा किया है, जितने भी गेट है उनका बनाने का वो वायदा किया है। इसके अलावा यहाँ पे 112 जो सेंटर है पुलिस के, वो पॉइंट लगाने का वायदा किया है, और बाकी जो इधर उधर की जो साफ सफाई उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस पे भरोसा है नहीं? उन्होंने तो अब तक कुछ किया नहीं। बताते हैं पिछले 70 सालों में बहुत कुछ किया, वो कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन वर्तमान में तो कुछ नहीं देख रहा मैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री जो अब तीसरी बार लगातार मोदी जी चांस मांग रहे हैं कि मुझे तीसरी बार, ये तो टेलर था, अभी आगे की पिक्चर बाकी। इस तरह से जो विकास यानी कि और होगा, कहना है आपका कि तिवारी जी के जो विकास के आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मुझे यकीन है जो पहले किया है उससे बेहतर काम करेंगे, मैं भरोसा दिलाता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपसे दोबारा कहना चाहूंगा, एक कंफ्यूजन सी अजीब सी नजर आ रही है, कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। भाई नाम बता दीजिए अपना। जी मनोज जी, 25 तारीख को वोटिंग है। जी बिल्कुल, कन्हैया कुमार जी मनोज तिवारी मैदान में हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सर, थोड़ी परेशानी है अब यहाँ पे, तो हमारे जो पार्क है इनकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो कैसे पड़े जाए जंगल पड़े हो। ये बाघ का गेट इतने साल पहले टूटा, अभी तक इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं, रात को बंद नहीं होता, ऐसे रात तक अंदर आते हैं, शोर मचाया, कुछ करा कुछ नहीं करा। यहाँ पे कुछ समुदाय भवन है, नहीं चलो कोई बात है, कम्युनिटी हॉल है, तो छोटा मोटा प्रोग्राम किसी आदमी करना हो तो उसके लिए बाहर जाके ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वहाँ तो ये छोटी समस्या है। वैसे बस ये मिलनी है तो ये पूरी करनी। मनोज तिवारी जी आए यहाँ पर ये समस्या सुनने का? फिलहाल तो नहीं आए थे, थोड़े साल पहले आए थे, जब भैया जी ने बताया था। समस्या दूर हुई? हाँ, कुछ हद तक तो दूर हो गए। क्या मुद्दे रहेंगे? 25 तारीख को वोटिंग है, एक तरफ कन्हैया कुमार है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी है, किन मुद्दों को आगे लेके चलेंगे? सर मुद्दों को आगे लेके चलेंगे ना, आगे जो जो भी दिक्कत परेशानी उसको देखते हैं, बातचीत करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है। मेरे साथ ये बहुत जनता थी तो ये पूरी करनी। मनोज तिवारी जी आए यहाँ पर ये समस्या सुनने का? फिलहाल तो नहीं आए थे, थोड़े साल पहले आए थे, जब भैया जी ने बताया था। समस्या दूर हुई? हाँ, कुछ हद तक तो दूर हो गए। क्या मुद्दे रहेंगे? 25 तारीख को वोटिंग है, एक तरफ कन्हैया कुमार है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी है, किन मुद्दों को आगे लेके चलेंगे? सर मुद्दों को आगे लेके चलेंगे ना, आगे जो जो भी दिक्कत परेशानी उसको देखते हैं, बातचीत करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम किया जा सकता है। मेरे साथ ये बहुत जनता थी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को लगातार सपोर्ट करे। इनका कहना है कि यहाँ पर मनोज तिवारी जी बेशक ना हो, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 4 साल पहले 2 बार सांसद रह चुके
मनोज तिवारी यहाँ पर आए थे, उनकी समस्याएं सुनी, कुछ हद तक समस्याएं दूर भी हुई हैं, लेकिन 25 तारीख को लगातार जो वोटिंग होनी है इसको लेकर तमाम यहाँ जनता के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग सोच है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार राज तिलक किसका होता है।